और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर लौटे युवा किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चार बिंदुओं को लेकर वार्तालाप हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी और रामनगर तहसील में पूर्व की भांति व्यापार जो व्यवस्था है वो जारी रहेगी और एक कमेटी बनाकर अगले 6 महीने के भीतर रेरा के नियमों में किस तरीके से शिथिलीकरण किया जा सकता है उस पर भी निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा जमीनों की खरीद और बिक्री पूर्व की भांति जारी रहेगी। वहीं किसान संघर्ष समिति के संयोजक ललित जोशी ने कहा कि हमने सरकार को 5 अक्टूबर तक का समय देते हुए धरना स्थगित कर दिया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। प्रस्ताव रखे वहां पर एक हमारे गोलापार में ट्विन सिटी का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ट्विन सिटी गोलापार नहीं बनेगी अगर किसान नहीं चाहता। और दूसरे रेस्टी हल्द्वानी तहसील में और रामनगर तहसील में पूर्व की भांति 2 महीने पहले की भांति रेस्टियाँ होंगी। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और मुख्यमंत्री महोदय से हम देहरादून मिलने गए। मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री महोदय का और माननीय बंसीधर भगत जी का जिन्होंने कुल के रूप में काम किया और यह हमारे नियमों को। और अब आप लोगों का क्या स्टैंड है, कब तक आंदोलन स्थगित कर रहे हैं और किन मांगों पर सहमति बन गई? देखिए हमारी मुख्यतः 4 मांगों पर सहमति हुई है, हालांकि हमने वो मांग पत्र और लंबा दिया था लेकिन 4 मांगों पर सहमति हुई है। उसमें एक बात उन्होंने बोली थी कि जो किसानों पर जो 2017 के बाद जो एफिडेविट दिए हैं उन एफिडेविट में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई